एफ एस पाकिस्तान के ताउन से रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग की एक नई सीरीज का एहतमाम किया जा रहा है इस सीरीज में हम पाकिस्तान के एक्सपर्ट को मधु करेंगे जो कि अपनी राय से दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर अपना तबसा देंगे और आपको उसके ऊपर आगाह करेंगे इस वक्त दुनिया के मुख्त ममालिकंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान चीन यूरोपियन यूनियन के ममालिक्रीका वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं तो हमारे एक्सपर्ट उन चेंजेस के ऊपर अपनी राय से आपको आगाह करेंगे अगर उनकी राय आपको आती है तो एफ e. के नीचे दिए गए जो लिंक्स हैं उनको आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और उस पर अपनी राय का इजहार करें एफ e. पाकिस्तान पिछले तीस सालों से जमूरियत और जमुरियत को परवान चढ़ाने वाली बाकी इकदार के ऊपर काम कर रहा है और आगे भी इस पे काम करते रहेंगे मैं हूं रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग सीजन थ्री के एक और एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस टू तो डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया रीजन और हमारा फोकस होगा पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में आपको पता है आजकल कल जमहूरीत और जमहूरी इदारों के इख्तियार बहुत बहस हो रही है इसके अलावा अगर हम रीजन में देखें तो वहाँ पर भी जो डेमोक्रेटिक नाम्स हैं इंडिया में वहाँ पर बहुत सारे जो है वो डिबेट हो रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है फ़्रीडम ऑफ़ रिलीजन की बात हो रही है उसके अलावा जो मुख्तलफ अदारे हैं उनके इख्तियार की बात हो रही है अफ़ानिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं स्रीलंका में भी एक क्राइसिस चल रहा है जिसमें वहाँ की जो एक जमहूरीत जो वहाँ का ख़ानदानी तसलसल तो था एक निज़ाम का जिसकी वजह से वहाँ पर भी क्राइसिस में उन लोगों का मानना या एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसने हिस्सा डाला इन सारी चीज़ों इस रीजन को और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जमहूत के चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए आज मेरे पास एक बहुत वेल लर्नड पैनल मौजूद है आइए सबसे पहले उनका तारफ़ करवाते हैं और फिर उनसे इस इस मौजू पर बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब ताहिर मलिक साहब उस्ताद हैं और उसके अलावा एनालिस्ट हैं मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पे आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे बातचीत करते हैं बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब इनके साथ हैं याशफी जमाल साहबा याशफी जमाल भी जो है बड़ी मानी हुई एंकर हैं इसके अलावा इनका अपने ख़ुद एनालिस्ट के तौर पे भी आती है मुख्तलिफ चैनल्स पे आपका भी बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू हैविंग मी तो ताहिर मलिक सबसे पहले मैं आपसे ही इस बहस का आगाज़ करता हूँ आप जो है मेरे नाजरीन को ये बताइए कि जमहूरीत जो है इस रीजन में अभी तक इतनी पनप क्यों नहीं पाई और अगर हम टू स्टेप अहेड जाते हैं तो फोर स्टेप बैकवर्ड जो है वो क्यों चले जाते हैं एक तो ये कि इस वक्त जो है वो डेमोक्रेसी का ग्लोबल चैलेंज है एक पॉपुलस्ट अनारर्ज है जो डिस्कॉन्टेंट है कैपिटलिज्म का डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ वो हमें नज़र आता है रीजनल लेवल पे भी उसका इम्पेक्ट ग्लोबल लेवल पे जो पॉपुलिस्ट लीडर्स और ऑटोक्रेट्स आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से रिलीजस बेस्ड नेशनलिज्म को यूज़ किया है जो मिडिल क्लास एस्पायरेशन को डिमांड किया है एक तो ये है लेकिन ये एक बिल्कुल रीसेंट फिना है जो आपका सवाल है कि इस खत्े में तो ये यहाँ साइड किया जाता था कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और बहुत सारी इसने वेस्ट की थ्योरियाँ उस वक्त सिक्सटीज़ में साबित गलित वो थ्योरीज़ ये थी कि चूँकि वेस्ट में जमहूरियत की इब्तदा हुई तश्कील हुई तस्वर आया तो ये जो था निज़ाम ये नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में जिस सोसाइटीज़ में जिसमें चाइना है मिडल ईस्ट है अफ्रीका है वहाँ पर नप नहीं सकता एशिया में लेकिन इंडिया ने इस थ्योरी को ग़लत कार्य साबित किया तो उसकी वजह से उनका कलोनील एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से डेढ़ सौ साल के करीब ब्रिटिश यहाँ कलोनीलिज़म रहा तो मॉडर्न एजुकेशन आई रूल ऑफ लॉ की बात हुई कुछ जो बेहतर इस सिलसिले में चीज़ें जो सोसाइटी जिनके लिए जद्दहद करती है वो उनको कलोनील पास से मिली लेकिन जो इंडिया के या साउथ एशिया के तजाद थे वो पोस्ट कलोनील स्टेट्स में भी कंटिन्यू रहे। जब कौमें आज़ाद हो गई पहले तो वो ब्लेम करते थे कि हम इस वजह से कि इन्वेडर्स यहाँ रहे यहाँ पे कलोनील uh, इंटरेस्ट है सारा लेकिन हमने देखा है कि 1947 से ले अब जैसे आपका जिस वक्त ये रिकॉर्ड हो रहा है 75 फाइव ईयर्स तक हम पहुँच गए वो जो शार्प कॉन्ट्रडिक्शन हैं जो तज़ाद हैं आज भी मौजूद हैं वो तजादा क्या हैं कम्यूनलाइजेशन इंडियन पॉलिटिक्स की साउथ एशियन पॉलिटिक्स की सेक्टेरज़म वायलेंस और रिलीजन का कल्चर हिस्ट्री पे इम्पैक्ट और उसका करंट कंटम्प्रेरी पॉलिटिक्स पेश हो और जो कास्ट सिस्टम है वस्ट उसने इक्वल सिटीजनशिप की राह में रुकावट है कि लेस ह्यूमन आप ट्रीट करते हैं अदर को और उसमें अनटचेबल्स भी आ जाते हैं उसके अंदर जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी रिलेशनशिप भी आ जाती है तो इस वक्त मैं ये देखता हूँ कि एक रेडिकलाइजेशन है आ, बहुत सारी जगह पे हम इसराइल में देख रहे हैं हम मुस्लिम सोसाइटीज़ में देख रहे हैं और इसी तरह की जो रेडिकलाइजेशन है अल्ट्रा नेशनलिज़म है वो इंडिया में भी आया अब जब ये आ गया और तरीका इसका डेमोक्रेटिक था कि राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ज़रिए मैनिफेस्ट हुआ और फिर उसमें ये भी एक होता है कि बहुत सारी पार्टीज़ आई हैं तो डेमोक्रेसी के अंदर जो प्लॉरलिज़म है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं गारंटीज़ हैं उसकी वजह से सोसाइटी को थ्रेड नहीं होती लेकिन हमने देखा कि इंडिया में इंडियन सिटीज़न बिल हो वो जो स्पेशल स्टेटस है जिस तरह कश्मीर में हुआ या जिस तरह रिलीजस प्रैक्टिस के लिए वो फ, फ, मीडिया की फ्रीडम के ऊपर जो कर्ज लगें तो वो स्पेस श्रिंक हुई मीडिया की पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंस की और सिविल सोसाइटी की तो उसकी वजह से अलार्मिंग लेवल उसका एक इम्पेक्ट ह्यूमन राइट्स पे भी आया फिर हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि एक जो ट्रांज़िशन थी पावर की वो भी इतनी स्मूथ नहीं थी और उसके अंदर शुरू में जो वहाँ गवर्नमेंट आई उसने बच्चियों के स्कूल पे और जो इसी तरह की मखलूत सरगर्मियाँ होती हैं पार्क्स में या दूसरी उसके ऊपर रिजर्वेशन का इज़हार किया सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर किया पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस है एक चैलेंज तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल इम्बेलेंस है वो हमें शुरू से दिखाई देता है के जो गैर मुंतब इदारे हैं वो सियासत में हिस्सा लेते हैं और पोलिटिकल पार्टीज़ वीक हैं उनके अंदर जमूरीत नहीं लोकल बॉडीज़ की यहाँ सिस्टम नहीं ग्रास रूट लेवल पे कोई पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं लेकिन दूसरा नहीं। जो चैलेंज है अब इसमें सम आप करके आखिर कहूँगा वो चैलेंज है सेक्टेरियनज़म का और जो सेक्टेरियन या रिलीजस इंस्पायर्ड इशूज़ की बेस पे एक पॉपुलर मूवमेंट करने की कोशिश जिसकी पाकिस्तान में ज्यादा पजीराई नहीं भी हुई लेकिन ये एक चैलेंजेस हैं जो आपके सवाल के बहुत शुक्रिया अच्छा यासफिन देखें पाकिस्तान अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो इस वक्त डेमोक्रेसी सबसे लंबे अरसे तक पाकिस्तान में प्रवेल कर रही है दो हज़ार अगर हम आठ से भी शुरू कर लें तो ये तीसरा डेमोक्रेटिक गमेंट जो है वो अपने आखिरी जो है वो साल में दाखिल हो रही है लेकिन उसके बावजूद जो बेसिस है डेमोक्रेसी की जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात होती है जिसमें फ्रीडम ऑफ़ रिलीजियस आपकी रिलीजन की फ्रीडम है फिर उसके जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखें तो वो थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं हाउ डू यू सी कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बावजूद भी वो नाम्स और वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस तरह से So, uh, बाहर नहीं आ सके uh, के सकेत ठीक है थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वैसे तो अभी प्रोफेसर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस रीजन की जो uh, मिसाइल हैं या मामलात हैं और वर्ल्ड ओवर भी किस तरह से डेमोक्रेसी को चैलेंजेस हैं जमहूरीत को लेकर क्या डिबेट या डिस्कशन हो रही है उस पर बात की है पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं uh, वो ठीक कहा है सर ने अभी यहाँ पर कि सेवेंटी फाइव ईयर्स हो गए हैं डाउन द लाइन अभी भी अगर हम ये कहते हैं कि वो न्यू टू दिस तो ये कोई uh, बहुत मतलब लम्हाय फिक्रिया है सोचने की बात है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं लेकिन जब पाकिस्तान की हम बिलखसूस बात करते हैं तो जैसा कि सर ने खुद भी आइडेंटिफाई कि आपने भी कहा अपने में कि यहां तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स उस तरीके से रही नहीं पाकिस्तान बनने के बाद हमने देखा कि इदार, इदारों की मुदाखलत ना सिर्फ मुदाखलत सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात नहीं हो रही जो आजकल कर हम करते हैं इदारे प्रैक्टिकली गवर्नमेंट करते रहे यहाँ पर तो मार्शल लॉ के एवर रहे तो मैं तो समझती हूँ भी अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें और ये जो बहुत सारी चीज़ों की तरफ अभी आप पॉइंट आउट कर रहे हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बेसिक ह्यूमन लिबर्टीज़ या राइट्स हैं मैं समझती सबसे पहले तो पोलिटिकल पार्टीज को अभी भी ये कॉन्फिडेंस बहाल करने की जरूरत है कि वो है इन पावर डेमोक्रेसी है इस वक्त सियासी जमाते ही हैं जो इस मुल्क को लेकर चल रही हैं बेशक हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं से स्ट्रिंग्स पुल की जा रही है लेकिन आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम जिन इदारों को आदत हो गई है आके प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स करने की और इकतदार में रहने की उनको भी थोड़ा सा वक्त लगेगा एक स्टेप पीछे जाने में और जो सियासी जमातें हैं उनको भी अच्छा जब हम बात करते हैं इस बात की भी जो भी आपने कहा कि ये तीसरी चौथी हुकूमत है जो एक स्ट्रेच में डेमोक्रेसी कंटिन्यू करी, करी है लेकिन उसमें भी आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर्स को कंटिन्यू नहीं करने दिया गया अब अगर उसमें मैं आइडेंटिफाई करूँ और मसला आइडेंटिफाई करूँ तो वो सियासतदानों के अपने खाते में बात जाती है क्योंकि कोर्ट्स को बीच में इन्वॉल्व करना आप गिलानी साहब से शुरू कर लें वो मामला वहाँ से स्टार्ट हुआ मैं साहब को भी उसी तरह जाना पड़ा राजा अशरफ साहब का जो मामला हुआ वो भी हमने देखा गिलानी साहब का मामला तो मैंने पहले कहा फिर अभी

मुख्तल इदारे जो हैं उनकी अपनी इंटरेस्ट हैं और वो उनको अपने इंटरेस्ट जो है उनको वॉच भी करते हैं तो चाहे मैं नाम तो नहीं ले रहा लेकिन

वो लोग बैठे इकतदार में उन्हीं लोगों के साथ पार्लियामेंट का हिस्सा रहे वजरा रहे उनकी काबिनाओं के अंदर और आज वो अपनी अपनी पोलिटिकल पार्टीज़ को हेड कर रहे हैं तो एक तो हिस्ट्री भी है गुड और बैड रिलेशनशिप की स्टैब्लिशमेंट के साथ इन्हीं सारे लीडरान की भी और फिर एक बैगेज भी है अनफॉर्चुनेटली एक पोलिटिकल बैगेज भी है सभी पोलिटिकल पार्टीज़ का उन सभी की लीडरशिप का जो कि वो आज तक कैरी कर रहे हैं और जब आपके साथ कोई बैगेज होता है तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली करना पॉसिबल नहीं होता तो आई थिंक वो पाकिस्तान एक फेज के अंदर है जब पाकिस्तान खुद भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई है uh, हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस आती है Uh, कुछ ना कुछ मामला में हमने देखा पिछले दौर की बात कर ले मियाँ साहब की बात कर ले जब उनका आउस्टर हुआ हमने वहाँ से भी रेजिस्टेंस देखी अभी आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, के फिनमिना को देख रहे हैं हम वहाँ से भी रेजिस्टेंस देख रहे हैं हम उनके आर्ग्यूमेंट से डिसग्री अग्री कर सकते हैं मैं और आप जब हम यहाँ पर बैठ के बहस करते हैं लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि, कि किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं हो रही कोई बात नहीं करता आवाज़ नहीं उठाता तो आई थिंक इट्स इट्स एन रेवल्यूशनरी प्रोसेस जैसे जैसे मजीद इवॉल्व करेगा मैं तो खैर खैपुर उम्मीद हूँ आई थिंक दिस इज गुड इज गोइंग टू कम आउट लेकिन एक जो चीज़ है यहाँ पे इस रीजन में चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो या कोई भी बांग्लादेश हो सियासतदान और करप्शन का जो नैरेटिव है बहुत जुड़ा हुआ आपस में तो क्या उससे भी जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है उसको नुकसान पहुँचा और ये कितना बड़ा फिनना है क्या ये वाद हैं जो करप्शन करते हैं इसमें एक तो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है शहरी के दरमियान और सियासी जमातों के दरम्यान जब वो देखते हैं कि गैप है बहुत ज़्यादा और इसमें यह कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पर वीक है और रूल ऑफ लॉ का टेस्ट केस ये होता है कि वो मोस्ट पावरफुल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे अप्लाई हो अगर वो रियासत कमज़ोर हो और वो ताकतवर पे कानून का नफाज न करे तो लोगों के अंदर एक मिडिल क्लास में फ्रस्ट्रेशन होती अब उसके ऊपर ज़ाहिर है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनके नुमाइंदे हैं और फिर ऐसे स्कैंडल भी आए जिस तरह इंडिया में तहल का आया बोफोर स्कैंडल आया पाकिस्तान में पनामा आया और ऐसे आए अभी ये जो पीछे स्विस क्रेडिट की एक स्टोरीज आईं जिन कुछ दिन पहले ये जो फाइनेंशियल टाइम्स पे फाइनेंशियल टाइम पे, पौर पौर पे पौर पौर। पौर। आया स्विस लेटर के ऊपर ये चीज़ें आई तो ये जब स्कैंडल्स आते हैं तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर किसी पे भी पार्टी लीडरशिप हो या हो उससे जवाब तलब किया जाए और एक कमेटी वो बना दें कि आप की उस वक्त तक सस्पेंडेड है आप इस फोरम पर जाएँ तो लोगों में और पार्लियामेंट के अंदर भी उन पर इतमाद का इजहार किया जाता है इंस्टीट्यूशन दूसरा पहलू है कि वीक है और इंस्टीट्यूशन जब कमज़ोर होते हैं तो लोगों के अंदर एक निज़ाम की नफरत नवर देती है कि ये लोगों पर ये इल्ज़ाम लगें और हम बेबस हैं हम कुछ कर नहीं पा रहे और इन इल्ज़ाम को जो सबसे ज़्यादा हवा देते हैं वो आपके पोलिटिकल अपोनेंट ही देते हैं अपोनेंट ही देते हैं इसमें से वो पोलिटिकल स्कोरेज इसमें से हासिल करते हैं माइलेज हासिल करते हैं लेकिन ये है कि जो आम आदमी का भी जिन इदारों से आ, वास्ता पड़ता है देखते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस देख लें पाकिस्तान में अदलिया की इंडिया की रैंकिंग जेरलतवा मुकदमत जो पुलिस से रेवेन्यू से और पब्लिक इंटरेस्ट के इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ लोगों का रबता पड़ता है चूँकि वो रैम्प एंड करप्शन वहाँ देखते हैं उन्हें इससे भी नहीं गर्ज होता है और ऊपर से ये स्कैंडल आ रहे होते हैं और फिर मीडिया भी एक एजेंडा सेटिंग करता है उसके अंदर किसी को टारगेट करने के लिए करेक्ट और इशराफिया की तरफ से ये बताया जाता है कि नंबर वन इशू आपका ये है, जिस तरह पाकिस्तान के केस में करप्शन होगी तो ये होगा करप्शन को हर चीज़ से लिंक कर दिया जाए अभी हमारे सहाक वज़र अजम साहब ने कहा है कि जो लोग रियासत पे ईवन हमला अवर हैं इंतहा पसंद हैं दहशतगर्द हैं उनसे भी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ लेकिन करप्ट लोग हैं पोलिटिकल ये देखें ना ये जो ये जो नरेटिव है कि ये करप्ट हैं जो मेरे अपोनेंट हैं ये करप्ट है वो तो चोर तक का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये जब एक पॉपुलस पॉपुलर जो है वो सियासी लीडर इस तरह की नारेटिव देता है तो ओवरऑल तो आपका जो सोसाइटी पे और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उन पर कितने प्रेशर्स बढ़ जाते हैं ये बिल्कुल बढ़ जाते हैं और उसमें क्योंकि डेमोक्रेसी जो एक है इसमें इरतका होता है एवोल्यूशन होता है और पेंस टेकिंग और स्लो प्रोसेस है तो जो पॉपुलिस्ट होता है वो ईजी सोलूशन बताता है कि ये होगा मैं इकतदार में आ जाऊंगा और वो एंटी एलीट अपने आप को ज़ाहिर करता है वन से पार्ट ऑफ एलीट तो वो भी उसी तरह बिहेव करना शुरू कर तो वो जो नैरेटिव बिल्ड करता है वो उस नफ़रत की बुनियाद पे होता है नफ़रत का वो व्यापार करता है और नफ़रत जो है वो निज़ाम के खिलाफ भड़का के वो लोगों को उस ईजी सलूशन देते हैं और लोग हमने ये कोई नया फिनना नहीं माजी में भी देखा कि पहली जंग अजीम दूसरी जंग अजीम इसके लिए हुई और इसमें यह भी है कि लोग जो हैं यहाँ पे एक बड़े सग़ीर का भी मिजाज है कि वो मसीहा की तलाश में कि हीरो इमेज होने चाहिए वो इंस्टीट्यूशंस पे प्रेशर नहीं डालते कि उनकी जिंदगियों में कैसे बेहतर आए वो ये देखते हैं कि कोई एक बंदा आएगा और वो घोड़े पे बैठ के आएगा उनका तस्वर रवायती या अब किसी हेलीकॉप्टर जहाज़ से उतरेगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा लेकिन यासिन ये ये देखें ये एक आएगा प्रिंस चार्मिंग या कोई भी जो मसलों के हल करने वाला लेकिन फिर उसको जो एक हाइप क्रिएट करते हैं उस पर जो नैरेटिव बिल्डिंग में सबसे बड़ा रोल होता है मीडिया का आप चाहे इंडिया को देख लें चाहे पाकिस्तान को देख लें ख़ास किस्म की सोच पनप रही है पिछले कुछ अरसा से मीडिया बड़ी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हो गई हैं पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अगर आपने ख़ास किस्म की खबर देखनी है ख़ास स्लॉट से देखनी है तो आप कौन सा चैनल लगाएंगे दूसरी साइड ऑफ खबर देखने तो कौन सा चैनल लगाएंगे? अच्छा एक तो डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट के या मुख्तफ जो आप इदारे हैं उनका प्रेशर है लेकिन जो मीडिया का अपना इंटरनल फैक्टर्स हैं क्या वो भी कभी हमने डिस्कस किए हैं क्या उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है कथा कलमी में एक एक, एक, तो 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 मैं जी एक, एक वन लाइनर ये कहूँगा कि देखिए हम जिस हम तीनों जिस जनरेशन की इसकी इब्तदा जो मीडिया उसे पहले बॉलीवुड की फिल्मों में हुई बिल्कुल वो भी के वो पॉलिटिशियंस को डेमोक्रेसी को और इसको ये दिखाना है कि जो बंदा लॉ ब्रेक करता है या क्रिमिनल है वो लोगों की उसके साथ हमदर्दी की जाए जो कानून हाथ में लेता है तो तो वो आप कह रहे ने बड़ी अच्छी बात की के, जो भी इकदार में आने से पहले अपने आप को एंटीट

पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आई वुड से पैसे क्योंकि आपको लगाने पड़ते हैं इतदार में आने के लिए आपको कहीं ना कहीं वो एक मनी जो है ना वो अपना वो कहीं जाके अनलोड करना पड़ता है दैट इज़ वन ऑफ द रीजन के उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि उसको रिकवर करने की भी कोशिश की जाती है और फिर ये जो हम बात करते हैं कि रैम्पेंट करप्शन है इदारों के अंदर और फिर जब टॉप पर यह माइंड सेट या एटीट्यूड एग्जिस्ट करता है कि पावर पॉलिटिक्स के लिए पावर में आने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं तो फिर जाहिर है वो क्रीप करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आप सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे थे कि फिर एक आम आदमी भी जब जाके किसी भी इदारे में डील करता है किसी के साथ तो वही कल्चर उसको वहां भी दिखाई देता है क्योंकि उसको पता है कि ऊपर भी यही छोड़ा तो नीचे हमें कोई नहीं रोकेगा एक बात दूसरी बात जो मीडिया की भी आप बात कर रहे थे जब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की तो फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्री मीडिया ये एक Uh, उनके पिलर्स के अंदर काउंट किया जाता है और ये बेसिक एक इंडिकेटर है किसी भी अच्छी हेल्दी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो इतनी पोलराइजेशन अब हो गई है मीडिया के अंदर कि हमारे एक दोस्त ने हमें एक दिन कॉल करके कहा कि एक साफी यार कोई बता दें प्रोग्राम में बिठाना है तो मैंने कहा इतने सहाफी आई मीन वाई यू आस्किंग दिस क्वेश्चन तो एक पार्टी का नाम लेके कहा कि प्रो उस पार्टी का मुझे जर्नलिस्ट चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ कोई रिकमेंड कर दो तो मेरे लिए वो बड़ा एक अजीब फिनोमिना था कि जर्नलिस्ट कैसे प्रो पार्टी हो सकता है आई मीन एज अ जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट को वॉच टॉक ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है तो अगर एक वॉच टॉक जो है सोसाइटी का वो प्रो पीटीआई पी एम एल एन पीपल्स पार्टी है तो फिर वो वॉच टॉक कैसे तो... खबर देते हो अगर आप डांस करें बंगड़ा डालें तो फिर क्या पीछे रह जाता आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स के अंदर एक जर्नलिस्ट को कमेंट करते हुए सबसे पहले पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी जो हम देख रहे तो हैं कमाल हैं कि लोग अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं उसके बाद जो वो लीडरशिप के लिए पाकिस्तान की जबान इस्तेमाल करते हैं वो अफसोसनाक है आई आई मीन दैट्स लीस्ट कैन से और फिर उसके बाद जो खबर की एंगलिंग करने के अंदर दिलचस्प बात है वो जो अभी आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपने एक पार्टी की फेवर की खबर देखनी और एंगलिंग देखनी है तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हमने कहां टी करना है और अगर हमने की खबर या वो देखनी है तो हमें पता है एग्जैक्टली exactly. तो मैं समझती हूँ कि जब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसीज के अंदर क्या फ्लॉज हैं तो हमारे मुल्क में जमहूरियत के अंदर ये एक है हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहा तो जाता है अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल तो किया जाता है और होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक उसूल हैं आजादी इज़हार के हम खुद उसको एज मीडिया हाउसेज एज मीडिया पीपल भूल जाते हैं तो फिर जब हम भूल गए तो फिर हम किसी और को क्या सिखा सकते हैं सो आई थिंक मीडिया के एंड uh, पे तो बहुत काम करने की जरूरत है एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दोनों बहुत सारे लेकिन इंटरनल फैक्टर्स है

जो है वो टिकट दूंगा इलेक्शन की तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसके पास बीस हज़ार बरादरी के वोट हैं तो ये सियासत को नज़रिए से इंटरेस्ट बेस्ड पाकिस्तान में किस तरह बनाया गया और कैसे ही नाइनटीन सेवनटीज़ में तो भट्टो साहब ने नज़रिए के बेस पर हर चीज़ रोन डाली थी पाकिस्तान में एक नया फिनामला आया था लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चीज़ें बिल्कुल बदल गई ये जो एक शुरू में हमने डिस्कस किया कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी की सक्सेस रही है उसके अंदर उनकी मिडिल क्लास वाइब्रेंट मिडिल क्लास का एक बड़ा रोल था तो पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास से मर्ज हुई फोर्टी सेवन के बाद वो वीक थी और यहाँ के जो फ्यूडल लॉर्ड थे ट्राइबल चीफ्स थे और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स थे रिटायर्ड वो और इंडस्ट्रियलिस्ट वो सियासत में आए तो सिक्सटीज़ में हमने देखा कि ग्लोबल ट्रेंड था कि ट्रेड यूनियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स इनसे लोगों ने एक पॉपुलर मूवमेंट्स आई पूरी दुनिया में एशिया में एन टी ए मूवमेंट बेसिकली ऐसी एक मूवमेंट थी और फिर हमें सेवेंटीज़ में भी वो रोल नज़र आया लेकिन फिर अफ़गानिस्तान में जो जंग हुई उसके बाद ट्रेड यूनियनज़म स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जो लेफ़्ट की तहरीकें थी जो समाजी इंसाफ की बात कर रही थी शहरी हकूक की बात कर रही थी मजहबी रवादारी की बात कर रही थी उनको मार्जिनलाइज़ कर दिए और ये स्टेट की पैटर्नेज से ये चीज़ हुई तो वो जो लोग थे वो अलेक्टेबल्स बन गए अलेक्टेबल्स गैर सियासी इंतजाम नाइनटीन एटी फाइव में कभी कहीं सुना आपने इस तरह के भी फिनामिना तो वो जो अलेक्टेबल्स थे काबिल रसूख अफराद उनको मिलिट्री रजीम में की पोजिशन दी गई अब जाहिर है दस दस साल वो रहे गवर्नर रहे वो चीफ मिनिस्टर रहे मिनिस्टर रहे और फिर एटी फाइव में जो आप कह रहे हैं ये एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ कि यानि आप आज़ाद आप गैर जमाती इलेक्शन हुए पोलिटिकल पार्टीज़ को मार्जिनलाइज कर दिया अब उसमें इससे पहले नाइनटीन एटी थ्री में मजलिस शूरा एक मंतखब हुई और मंतखब नहीं हुई न, मशावरती एक बॉडी थी नॉमिनेटेड थी जिसके अंदर उलमा मशाइ और सजादा नशीन पीर हजरात इसके में मैंबर थे तो, को, अच्छा उनमें इसका जो मेरी रिसर्च है थर्टी फोर्टी परसेंट लोग वही फिर आए जब एटी फाइव का इलेक्शन हुआ तो फिर ये देखा गया कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये फैसलाबाद है यहाँ पर आरई वोटर है और इधर जट वोटर है तो उधर से कैंडिडेट आए और जो जो नमाशायफ़ पिछली इसम्बली में थे वो थे तो बरदरी नेटवर्क हमें एटी फाइव में मज़ीद स्ट्रांग हुआ थर्ड फैक्टर था उसका कि जो लोकल बॉडीज़ हुए एटी फाइव से पहले एटी फोर में एटी फाइव में वो वहाँ भी हमें बरदरीज़म नज़र आया मेयर में और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टिल में तो जो लोकल बॉडीज़ होती है उसके अंदर सियासत में नया खून आता है जो नई क्लासेस सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ मर्ज हो रहे होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पार्टीसपेशन के जरिए रिप्रेजेंटेशन आती है इवन आपके बाहर के जो अब इलेक्शन होते हैं इवन आपके प्रेस क्लब्स के जो इलेक्शन होते हैं उसमें ये, ये बहुत, बहुत बड़ा, बड़ा फिल्म बहुत बड़ा अब वो इतना इंट्रेंस्ट हो गया कि मैं कल देख रहा था मसलन चौधरी सरवर साहब ने आउटराइटली जो रिजेक्ट किया परवेज लाई वो मैं देख सकता हूँ क्योंकि वो एक को रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह पंजाब असम्बली में एक राजपूतों का ग्रोह होगा फिर अक्रॉस अब देखें के बाद पार्टीज ने इन सारे लोगों को अब देखें ना इलेक्टेबल पिछले इलेक्शन तक जो है वो बहुत बड़ा एक फिनना था अभी भी बहुत बड़ा फिनामना पार्टीज ने उनको अपने अंदर ले लिया रिजेक्ट नहीं किया कि नजरिए के बेस पे लोग आएंगे अब देखें इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं 26 साल एक स्ट्रगल की है इक्कीस साल जब उसके बाद लेकिन जब वो पॉपुलर हुई पार्टी और वोट जो है टिकट देने की बारी आई तो फिर इलेक्टेबल्स को दे दी अपने लोगों को जो उनके साथ थे बीस साल से सा उनको नहीं दिया ये डॉक्टर वसीम ने अभी पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने बुक लिखी है तो उन्होंने कहा है कि आइडे वर्सेस इलेक्टेबल्स तो जब पीपल्स पार्टी बनी या इमरान खान साहब की तो उसमें मिडिल क्लास रिप्रजेंटेशन थी तो पार्टी को मकबूल होने तक उस स्टेज पे लाने के लिए आइडियोलॉग्स का होता है रोल और जब पार्टी मकबूल हो जाती है सियासी असबियत हो जाती है वोट बैंक होता है तो फिर अलेक्टेबल्स की हमने सीटें लेनी तो जो पिछला इलेक्शन था उसमें डान का ने एक इंटरव्यू किया इमरान ख़ान साहब के और डान के फ्रंट पेज पे इसकी एडिंग लगी कि यू कैन विन इलेक्शन विदाउट मनी एंड इलेक्टेबल्स अच्छा अब ये यहाँ सियासी पार्टियों को पर को हम बिल्कुल बेल आउट नहीं कर सकते आपने एक अलेक्टेबल पार्टी में शामिल हो गया जिसने सूबा जनूबी पंजाब माज के बीस लोग मखदूम खसरो बख्तियार मजारी लगारी आपके पास एन ब्लॉक आ गए और उन्होंने कहा कि ये हम बीस लोग हैं हमें आप टिकट देंगे और हम अगर जीते तो इतने लोगों को पहले ही वो तय कर लेते हैं प्रोविन्शल मिनिस्टर और इतने लोगों को आप ये देंगे और हमारी फैमिली में की पोजिशन ऑफ बेरोसिक तो पोलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ एग्रीमेंट करती हैं यही लोग थे जिन्होंने क्यू लीग में ऐसा एक ब्लॉक बनाया यही लोग थे जो फिर एंड ब्लॉक पीपल्स पार्टी में शामिल हुए यही लोग थे जो नून लीग और पीटीआई और यही लोग हैं जो आप पीटीआई को छोड़ रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो गलतियाँ है करती हैं कि उनका अपना वोट बैंक वहाँ नहीं है बीस तीस हज़ार भी हो वो तंजीम भी एलेक्टेबल को दे देते हैं मसला लगारी मगारी मजारी मखदूम खसरव जब ये आते हैं तो एक भाई पार्टी में शामिल होता है उसका छोटा भाई उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का डिवीज़न का प्रेसिडेंट, तो जब वो तंजीम छोड़ते हैं तो फिर ऐसे ही हो जाता है कि जहेज़ में लाए होते हैं तंजीम को भी साथ लें अब आ, और, और सियासी पार्टियों का देखें कि मुल्तान के अंदर सियासी पार्टी क्या है पीपल्स पार्टी यूसफ़ रज़ा गिलानी है और पी टी आई ये कुरैशी और गिलानी हमें डेढ़ सौ साल पहले भी ये दो धड़े नज़र आ रहे थे मतलब और आज भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो लोग तजिया करते हैं ये जी गिलानी वोटर है ये क्रैशी वोट तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस कल्चर को मतलब इन रोड्स नहीं बनाए अब सिंध देख लें सिंध में इमरान खान साहब बड़ा तनकीद करते हैं अपने अर में और वहाँ वो वीक हैं लेकिन अंदरून सिंध वो कोई कंपेन करने के लिए तैयार नहीं पी का मैं 10 साल से मॉडल देख रहा हूँ कि वहां शाह महमूद कुरैशी होसिया जमात के सरबरा के, के तौर पे जाते, जाते हैं बिल्कुल और वहाँ से जो इलेक्शन भी लड़ा है वो उन्होंने पी के टिकट पे नहीं लड़ा, नहीं लड़ा तो नहीं। और वो अलाइंस पीरों से इनसे तो ये इन चीज़ों के लिए तो आप इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते यास फिर ये तो चीज़ें इन आप इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते लेकिन जब इंटरनल जो है जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सियासी जमात सबसे बड़ी जो है वो उसका एक आप समझ लेंगे पार्ट है लेकिन उनके अपने अंदर कितनी को डेमोक्रेसी मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि जो डिटेल या टेक्निकलिटी है वो तो साहब ने एक्सप्लेन कर दी लेकिन जब हम बात करते हैं बरादरी सिस्टम की कि वोट जी बरादरी की उस पर पड़ता है या जान पहचान पे, पे खानदानी कॉन्टेक्ट में पड़ता है वाकई ऐसे ही पड़ता है तो पहले पार्टीज का स्ट्रक्चर भी तो देखें जो पार्टीज इन लोगों को वोट दे रही हैं वो खुद भी तो बरादरी सिस्टम के ऊपर ही चल रही है ना मेरा भाई है तो वो मेरे बाद आएगा मेरा बेटा है तो वो मेरे बाद आएगा मेरे मेरी पूरी पार्टी में अगर मुझे अपने बाद अपने बेटे भाई बहन मियाँ से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो ये मेरे लिए भी एज ए पोलिटिकल पार्टी ये लम्हा फिक्रिया है ना वी ऑल्सो नीड टू काइंड ऑफ आप पाकिस्तान की कोई एक पोलिटिकल पार्टी बता दें पाकिस्तान तेरिक इंसाफ वाले क्लेम करते हैं जी कि हमारे यहाँ जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है लेकिन मैं उनको हमेशा ये जवाब देती हूँ कि अगर खान साहब की फैमिली पाकिस्तान में होती इस सिस्टम का पार्ट होती तो फिर देवर इन पोजिशन के वो इस तरह का कॉमेंट कर सकते क्योंकि अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो जाहिर है देखें सेफली से दैट बट जो बाकी सियासी जमाते हैं हमारे सामने सारी सूरत हाल है क्या आपने कभी सुना है कि किसी पार्टी के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ पार्टी उदों के लिए सिवाय वो जमात इस्लामी का एक क्लेम होता है आई थिंक उनका होता भी है थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से होता भी है लेकिन उसके अलावा जो पार्टी इक्तदार में होती हैं उनमें मुझे कोई एक पार्टी बता दें जहां पर आपने सुना हो के उनकी तंजीम के लिए जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस उन्होंने अपनी इंटरनल तंजीम के लिए किया है और फिर मेजोरिटी पर्टिकुलर फैमिली के बाहर किसी और ने ली है और उन्होंने किसी को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दिया है अभी भी बहुत सारी चीजों को लेकर तनकी पहले भी होती रही कि अगर आपने मुल्क में भी कुछ बड़े जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो क्या आपको फैमिली के अंदर ही दो तीन लोग मिले थे जिनको आप वोदे देंगे क्या और कोई ऐसी नहीं थी? इसमें, तो, एक जो अभी मैं इसको मुकम्मल आप बाद में कीजिएगा लेकिन बिल्कुल एक आखिरी जो हमारा पॉइंट है यूथ बल्ज हो रहा है बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो है वो सियासत में

कि इससे कोई फर्क पड़े क्योंकि अवेयरनेस का लेवल तो अगर कंपैरिजन करें इस स्टडीज़ भी हुई हैं कि बहुत अब बढ़ गया है आप सड़क पे चलते हुए एक आम बंदे से सियासत पर बात करें तो वो आपको पॉलिटिकली अवेयर मिलेगा वो वो यही आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो बिल्कुल अन है उसको पता नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है इवन इंटरनेशनली क्या हो रहा है लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस है पॉलिटिक्स को लेकर लेकिन वो कितना ट्रांसलेट होती है प्रैक्टिकली uh, कोई चेंज लाने के अंदर मैं उसके ऊपर अभी इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अगर हम एक केस स्टडी ले लें क्योंकि रिलेटिवली न्यूअर पार्टी है जो एक दफ़ा ही अभी इकतदार में आई है इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था तो खान साहब ने बाद में ये निचोड़ निकाला था जो बात अभी प्रोफेसर साहब कर रहे थे और उनकी पार्टी ने भी ये तनकीद की थी कि हमने बड़ा समझाया था खान साहब को कि इलेक्टेबल्स को ले लें मगर ये कह रहे थे कि मैं इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता फिर जब हमने देखा दो हज़ार अठारह में इलेक्शन हुआ इलेक्टेबल्स को लिया गया तनकीद बहुत की गई लेकिन अगर आज भी आप सड़क पर चलते हुए एक आम पी टी आई के सपोर्टर को कहें कि खान साहब ने ऐसा क्यों किया था तो आपको सादा सा जवाब देगा तो वजीर आजम नहीं बनना था सो so, अब ये जो एक फिनोमिना है ये इतना डीपली इंट्रेंस्ड है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मैं आपको अपने हल्के की अगर एग्जांपल दूं हम मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है हमारे हल्के के अंदर उन लोगों ने इस वक्त अपनी फैमिली के साथ गिवन टेक किया कि यार वो मेरा जानने वाला खड़ा हुआ है इस वक्त तुम वोट डाल दो अगली दफ़ा तुम हम तुम्हें वोट डाल देंगे दिस इज हाउ द पोलिटिकल सिस्टम वोटिंग वैन इट कम्स टू वोटिंग इन पाकिस्तान इट वर्कस तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक तो ये कि बियॉन्ड बिरादरी सिस्टम राइज करना है बियॉन्ड फैमिली सिस्टम राइज करना है फिर अच्छा कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अवेयरनेस उस तरीके से नहीं है सिलेक्टेड अवेयरनेस है। जो अवेयरनेस आपकी लीडरशिप वहां देना चाहती है तो पानी नहीं है मुल्तान की मैं आपको बात बता रही हूं। और ने बड़ी हकारत से कहा कि, कि ये पानी बह रहा है मैंने अभी देखा यहां से जानवरों ने पानी पिया से आप घर के लिए पानी लेके जा रही है और आप फिर उन्हीं लोगों को वोट देती है आप किसको वोट देंगी तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे भी यहाँ से पानी पिएंगे पीपल्स पार्टी को वोट देंगे उनके बच्चे भी यहाँ से पानी पिएंगे पीपल्स पार्टी को वोट देंगे वोट हम

पावरफुल किया जा सकता है इस पूरे रीजन में लेकिन ख़ास तौर पे फोकस करना पाकिस्तान पे और टाइम बहुत थोड़ा है मैं ये कहूँगा कि ये देखें चैलेंजेस तो डेमोक्रेसी को हैं लेकिन स्पेस बहुत जनरेट हुई ये नौजवान जो हैं ये सियासी अमल में शमूलियत चाहते हैं अब इनको गाइड करना या पोलिटिकल कॉन्टेंट देना पोलिटिकल कम्यनिकेशन देना पोलिटिकल पार्टीज़ का काम है पोलिटिकल का, पार्टीज़ इनको जानसार मतवाले जियाले टाइगर शेर चीते बना रहे हैं इनको ये नहीं बता रहे कि यूथ के इश्यूज क्या हैं, यूथ की हम किसी सियासी पार्टी की यूथ पॉलिसी नहीं है तो इसलिए उनकी इनफॉर्म्ड चॉइसेस, इनफॉर्मेट डिसएग्रीन से ये करता हूँ कि सियासी जो इंफॉर्मेशन तो है लेकिन शौर नहीं है नौजवान के पास और कल्ट फॉलोइंग में उनको दे रही कि यूथ के जो पहले हमने देखा कि अब पी एक यूथ पार्टी है सपोर्टेड लार्जली इससे पहले सेवेंटीज़ में पीपल्स पार्टी को यूथ की सपोर्ट थी तो पीछे एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक था न अब जब जिस तरह ये देखें कि जब शहरी हकूक आइन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे निसाब का हिस्सा नहीं तो नौजवान इस चीज़ में कन्फ्यूज है ऊपर से पोलिटिकल पार्टीज़ दो जजमेंट जो आई हैं हमारी कोर्ट की नेशनल इसम्बली की और प्रोविन्शल इसम्बली उसमें नौजवानों ने पार्टी पोजीशन जो हुई है उसको एक्सेप्ट किया ये नहीं देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पार्टीज पोजीशन ने इतनी जल्दी पैंतरे बदले हैं कि अदलिया के खिलाफ दोनों सियासी पार्टियों ने कम्पेन चला ली और दोनों सियासी पार्टियों ने जब हाथ उनके हक़ में डिसीजन आया तो मिठाइयाँ भी बांट ली तो जब इस तरह पीछे से दीवाने आप क्रिएट कर रहे हैं पहले तो उन्हें बताएं कि सियासी जमातें किसी नजम जब असूल नज़रिए आइन की सरबुलंदी और उनकी कमिटमेंट कहाँ है वो कमिटमेंट बताए बगैर आप ये बता रहे हैं कि आप उनको लवर्स बना रहे हैं मतवाले बना रहे हैं तो ये तो फ़ैन फॉलोइंग शो बेज़ की होती है कोई पॉलिटिकल स्कूल नहीं है यहाँ पे के अंदर जो सियासी तरबियत के लिए हो कि यहाँ पे बहुत सारी जो गैर मुल्की एन जी ओज़ हैं वो ये काम कर रही हैं और सियासी पार्टियाँ उनसे मावनत नहीं करती वो निसाब बना रही हैं वो ट्रेनिंग दे रही हैं वो सो आपका प्रोग्राम भी इस सिलसिले की कड़ी है ये काम जो आप सही साहब सवाल हैं ये किसने रोका है सियासी पार्टियों को लेकिन वो लिमिटेड कंपनियाँ रहना चाहती हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ है ये मुस्लिम लीग जनेजो है ये बिलावल है ये जरदारी है ये इमरान है ये जाती उम्र है ये बनी गाला है ये जरदारी है उस है ये सियासी पार्टी ऐसे सियासी पार्टी ये ने पता है कि जब अब इस मुल्क का मज़दूर किसान तलब इम डेंटर पेंटर मोची नाई आएगा तो ये सियासी पार्टी फिर हमारी नहीं रहेगी ये लोग तो हमारे ड्राइंग रूम में घुस जाएंगे तो अभी जो है मैंने अपने जो बेटा है उसको यूथ का सरबराह बनाना है मैंने अपनी बेटी को खातिन का सरबराह बनाना है उसकी सहेलियों को सोशल मीडिया पर तो वो देना हैदा और मैंने अपने भाई को अपने बाप को बेटे को एक उदा सिर्फ ये बाहर देती हैं वो माइनॉरिटीज बैंक का क्योंकि उसके लिए हिंदू या सिख चाहिए होता है वो फैमिली में नहीं होता तो जब सियासी पार्टी लिमिटेड हैं लिमिटेड कंपनी है। कारोबार या सियासत आपके ख़ानदान के लिए नहीं होती अवाम के लिए होती जब इस नुकते हुए सियासी पार्टियाँ आएंगी उस दिन जमहूत को पाकिस्तान में कोई चैलेंज नहीं होती बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब बहुत शुक्रिया यासफीन जमाल साहब जी बिल्कुल जमहूरियत को बिल्कुल चैलेंजेस हैं जो मेरे दोनों पैनलिस्ट ने आपको बताया लेकिन उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए जो सबसे पहला काम है वो सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत लानी है पाकिस्तान में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है या इस रीजन में उसको फ़र देना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस पर काम करना है और मीडिया मीडिया इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, हैंक्टर्नल तो बहुत हैं लेकिन इंटरनल फैक्टर्स जो हैं उन पर भी काम करने की ज़रूरत है इसी थाट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त आपसे मुलाकात होगी एक और एक और किस्त के साथ अगले हफ्ते तब तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हाफ़